हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल टेक हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको स्पार्क प्लग के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, हर एक पार्ट का फंक्शन बताऊंगा, स्पार्क प्लग किस तरह से ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेशन क्या होता है ये बताऊंगा। देन मैं आपको इंसुलेटर टिप के हेल्प से स्पार्क प्लग के टाइप्स के बारे में बताऊंगा और आखिरी में स्पार्क प्लग जो 7 बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्पार्क प्लग के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो जो सबसे ऊपर वाला बाहरी पार्ट होता है, आप देख सकते हो ये इस तरह से, ये स्टील सेल कहलाता है और ये स्पार्क प्लग को मेटल कवरिंग प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पे अंदर में आप यहाँ इसमें देख सकते हो पिक में, ये रेजिस्टेंस होता है जो कि यहाँ पे होता है अंदर में। तो इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट को। देन स्पार्क प्लग में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो इसका मेन पार्ट होता है, एक होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड। सेंट्रल इलेक्ट्रोड यहाँ पे इसके अंदर में यहाँ तक होता है, ये आप यहाँ पे बाहर में देख सकते हो, ये निकल थोड़ा निकल भी रखा है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड निकल अलॉय के बने होते हैं ताकि वो ये विथस्टैंड कर सके एरोजन एंड कोरोजन एट हाई टेम्परेचर्स। अब सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल इलेक्ट्रोड के बारे में बताता हूँ। इससे हाई टेंशन करंट फ्लो होता है, यहाँ से हाई टेंशन करंट फ्लो होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये हाई टेंशन करंट सेंट्रल इलेक्ट्रोड में आता कहाँ है। तो इससे पहले मैंने बैटरी इग्निशन सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको समझा रखा है कि किस तरह मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, जिसे हम लोग इग्निशन हार्नेस भी कहते हैं, उससे हाई टेंशन करंट सेंट्रल इलेक्ट्रोड में पहुंचता है। तो देन एक और पार्ट होता है, वो होता है इंसुलेटर। ठीक है, ये इंसुलेटर होता है, आप यहाँ इसमें देख सकते हो, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है इसके चारों तरफ, हाँ अब दिख रहा है आपको, ये इंसुलेटर होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है इंसुलेशन सेंट्रल इलेक्ट्रोड को। देन ग्राउंड इलेक्ट्रोड, ये वेल्डेड होता है स्पार्क प्लग के स्टील सेल से। ठीक है, स्पार्क प्लग के स्टील सेल से ये वेल्डेड होता है। तो ये पार्ट्स होते हैं स्पार्क प्लग के। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पार्क प्लग किस तरह वर्क करता है और स्पार्क कैसे एमिट करता है। तो स्पार्क प्लग का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्पार्क एमिट करना ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, ऑफ इंजन, ताकि वो एयर फ्यूल के कंबस्टिबल मिक्सचर को इग्नाइट कर सके। अब इंजन के ऑपरेशन के दौरान हाई टेंशन करंट सेंट्रल इलेक्ट्रोड के थ्रू फ्लो करता है, इस तरह से ये फ्लो करता है, यहाँ पे पहुँचता है। अब ये हाई टेंशन करंट आयोनाइज करता है गैसेस को, यहाँ पे जो ये गैप है, यहाँ पे गैसेस होती है यानी कि एयर फ्यूल का कम्बस्टिबल मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जब ये हाई टेंशन करंट आयोनाइज करता है गैसेस को जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और द इलेक्ट्रोड गैप, और इस तरह से आयोनाइज करता है स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्पार्क प्लग का मेन फंक्शन होता है स्पार्क को प्रोड्यूस करना, वो हाई टेंशन करंट जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रोड से फ्लो करता है उसके हेल्प से उसे आयोनाइज करके स्पार्क एमिट करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पार्क प्लग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स जानने के लिए यहाँ पे हम लोग को एक टर्म के ऊपर ध्यान देना होगा, इंसुलेटर टिप एंड सेंट्रल इलेक्ट्रोड टिप, ये दोनों एक्सपोज होते हैं कंबस्टिबल गैसेस के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड का टिप है और ये जो इंसुलेटर का टिप है ये बाहर निकले होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही दिखाया है। ठीक है, ये बाहर निकले होते हैं, तो ये जो कम्बस्टिबल एयर फ्यूल का मिक्सचर है, गैसेस है, उसके कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब हाई टेम्परेचर एंड थर्मल स्ट्रेसेस के कारण इंसुलेटर टिप के क्रैक होने का प्रॉब्लम सामने आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पार्क प्लग को दो तरीका से डिज़ाइन किया जाता है, एक होता है हॉट स्पार्क प्लग और दूसरा होता है कोल्ड स्पार्क प्लग। चलिए पहले आइए हॉट स्पार्क प्लग की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें इंसुलेटर टिप है वो लंबा होता है, ठीक है, ये जो इंसुलेटर टिप है वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और इसमें हीट रिजेक्शन पाथ वो भी लॉन्ग होता है। इसका यूज़ किया जाता है बाइक्स में एंड कार्स में। और जो दूसरा होता है वो होता है कोल्ड स्पार्क
प्लग। इसमें क्या होता है, जो इंसुलेटर टिप है वो शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, और जो हीट रिजेक्शन पाथ है वो भी शॉर्ट होता है। और इनका यूज़ किया जाता है रेसिंग कार्स में एंड ट्रक्स में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पार्क प्लग जो 7 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल करता है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कि इट मस्ट विथस्टैंड पीक प्रेशर अप टू एटलीस्ट 55 bar। एंड सेकेंड वन इज इट मस्ट प्रोवाइड सुटेबल इंसुलेटिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। देन थर्ड वन इज इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर टू द ट्यून ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑपरेशंस। देन द नेक्स्ट वन इज इट मस्ट ऑफर मैक्सिमम रजिस्टेंस टू इरोजन बर्निंग अवे ऑफ द स्पार्क पॉइंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फ्यूल यूज। देन द फिफ्थ वन इज इट मस्ट पोजेस अ हाई हीट रेजिस्टेंस सो दैट द इलेक्ट्रोड्स डू नॉट बिकम सफिशेंटली हॉट टू कॉज द ऑफ द चार्ज विद इन द इंजन सिलेंडर। देन द नेक्स्ट वन इज द इंसुलेटिंग मटेरियल मस्ट विदस्टैंड सेटिस्फैक्ट्री द केमिकल रिएक्शन इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूल एंड हॉट प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। और जो आखिरी है वो ये है कि गैस टाइट जॉइंट्स बिटवीन द इंसुलेटर एंड मेटल पार्ट्स आर एसेंशियल अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो ये 7 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ये फुलफिल करता है स्पार्क प्लग। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्पार्क प्लग का पार्ट्स के बारे में बताया, उसका फंक्शन बताया, किस तरह वो स्पार्क एमिट करता है ये बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स में मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।